हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं FW और आज का ये एक्सपेरिमेंट अब तक का सबसे बेस्ट इनो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इनो को मिलाएंगे इन तीनों लिक्विड हैंड वॉशेस में और देखेंगे कि कैसी रिएक्शन देखने को मिलती है। और यकीन मानो मज़ा ही आ जाएगा जब हम लोग इनो को मिलाएंगे इन सारे लिक्विड हैंड वॉश में और फिर फेना ही फेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिक्विड हैंड वॉश बिना पानी मिलाए इस कांच के ग्लास में ले लेते हैं। अच्छा, तब तक आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आप लोग अपने घर पे कौन से लिक्विड हैंड वॉश का यूज़ करते हैं, इस सेवलॉन वाले का कि लैबबॉय वाले का कि डेटॉल वाले का। मुझे तो पर्सनली सेवलॉन और लैबबॉय पसंद है, डेटॉल वाला थोड़ा सा अजीब लगता है, पानी जितना भी डालो हाथ से छूटता ही नहीं है। तो ये हमने ग्लास में ले लिया है तीनों टाइप के लिक्विड हैंड वॉशेस। चलिए आपस में इनको मिक्स कर देते हैं किसी लकड़ी की मदद से। ये है हमारी लकड़ी और इसे मिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन इतना सारा वेस्ट भी हो रहा है। कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट में सब कुछ चलता है। और जब भी हमने इनको मिलाया तो तुरंत तो कुछ भी नहीं होगा, हमें इसे मिलाना पड़ेगा। ये देखो कितना ज्यादा गाढ़ा फेना है, गाढ़ा। अभी कौन कौन इस फेने से मुंह धोना चाहता है। यहाँ पे तो आइसक्रीम बन गई, जिसे बोलते हैं हैंड वॉश कुल्फी। कौन कौन चाहता है कि मैं इस बोतल में भी ये एक्सपेरिमेंट करूं? अरे भाई चाहते क्या हो, मैं तो करने ही जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो मैं इस बचे कुछ चीज़ को भी इसी बोतल में ना लेता हूँ और फिर बारी बारी से इस बोतल में सारे तरीके के लिक्विड हैंड वॉश भर देता हूँ। और अब की बार इस बड़े से पैकेट से जो कि मैंने खरीदा है अमेज़न से मात्र 184 रुपये में, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये देखिए हमारा घोल तैयार, इतना सारा लिक्विड हैंड वॉश। और इसके लिए मैंने खरीद के रखे हैं 2 CC इनो, ये लेमन वाला और ये सफ़ेद वाला। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सफ़ेद वाला। और इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा वाइट विनेगर, जी हाँ वाइट विनेगर, क्योंकि इसमें रिएक्शन इनो की थोड़ा ज़्यादा होती है और हमारा गाढ़ा गाढ़ा घोल भी हल्का पतला हो जाएगा। तो चलिए अपनी इनो को इस ग्लास में ना लेते हैं ताकि थोड़ा सा बोतल में पलटने में आसानी हो। तो चलिए मिलाया जाए। मुझे तो काफी डर लगा है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा। ओहो बाहर चला गया। वाह, बादल तो जमीन पर ही उतर आए। कितना ज्यादा गाढ़ा फेना है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वैनिला आइसक्रीम बन बन कर निकल रही हो, लेकिन ये तो वैनिला आइसक्रीम है नहीं, ये तो है फेना, वो भी साबुन का फेना। ओफो, थोड़ा सा और हिलाते हैं। बोतल को हिलाने पर यहाँ पे तो प्रेशर ही बन गया और बहुत तेजी से निकला हमारा फेना।
फेना ही फेना। तो यहाँ पे इतना सारा फेना इकट्ठा हो गया है, चलिए बचा कुचा फेना भी बोतल से ना लेते हैं, देखते हैं कितना फेना बचा है। ओफो इतना ज्यादा, वाओ दूध की बरसात। तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जब हमने इन्हों को मिला लिक्विड हैंड वॉश के घोल में, तो यहाँ पे तो कमाल ही हो गया, मतलब फेना ही फेना, इतना फेना कि इतना फेना मेरे एक साल नहाने पर भी ना निकलता। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट 20 लीटर की बोतल के साथ भी करूँ? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें भी करूँगा, उसमें तो और भी मज़ा आएगा। और हाँ, मैंने लिक्विड हैंड वॉश की लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए दे दी क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि कहाँ से ले, कहाँ से लिया। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ, मैंने अमेज़ॉन से लिया। और ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, कौन करेगा इतने छोटे यूट्यूबर को स्पॉन्सर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही अपने अमेजिंग आइडियाज कमेंट में बताते रहना।